हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला डियर स्टूडेंट्स आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ़ योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स आज दिसंबर थर्ड टू के ट्वेंटी वन को बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमिस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट्स का डी एस सी के सब्जेक्ट्स का पेपर जो है वो ओ बी ई फॉर्मेट में कंडक्ट कराया गया डियर स्टूडेंट्स आइए इस वीडियो के थ्रू हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपके मेन डी सब्जेक्ट सी आर ह्यूमन राइट्स इन अ कंपेरेटिव परस्पेक्टिव एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर पूछे गए डियर स्टूडेंट्स जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बेसिक पैटर्न रहा क्वेश्चन को पूछने का मार्किंग स्कीम क्या रही कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे गए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे एंड सो ऑन सो डियर स्टूडेंट्स आप बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड हमारे साथ जानिए हमारे साथ समझिए टूडेज ओ बी ई क्वेश्चन पेपर ऑन ह्यूमन राइट्स इन अ कम्पेरेटिव परस्पेक्टिव एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया डियर स्टूडेंट्स आपको बता दें कि ह्यूमन राइट्स इन अ कम्पेरेटिव परस्पेक्टिव पर जो हमने कल फोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था उसमें से बेसिकली फोर टू फाइव क्वेश्चन एज इट इज़ आपके आज के ओ बी क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिले डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा अगर देखा था तो आपकी काफ़ी हेल्प जो है वो हुई होगी ह्यूमन राइट्स इन अ कम्पेरेटिव परस्पेक्टिव के ओ बी पेपर के अंदर सो डियर स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं ह्यूमन राइट्स इन अ कम्पेरेटिव प्रस्पेक्टिव एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया के टूडेज़ ओ बी ई क्वेश्चन पेपर को माई डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की आने वाले कंसेप्शन्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें आपसे किसी भी प्रकार की वीडियो किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन मिस ना हो डियर स्टूडेंट्स अगर आपके फिर भी कुछ क्वेरीज़ हैं आपके कुछ भी सजेशन्स हैं कुछ भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो को लेकर तो आप हमें वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का आपके सजेशंस को फॉलो करने का डियर स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स बिगेन सो माई डियर स्टूडेंट्स ये है आज का ह्यूमन राइट्स इन अ अम्पेरेटिव परस्पेक्टिव का ओबीई दिसंबर टू के ट्वेंटी वन का क्वेश्चन पेपर डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर के टॉप पर आपको ये चीजें देखने को मिली जहां पर लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू प्रिंटेड पेजेस द नेक्स्ट है योर रोल नंबर द नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर द नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिक पेपर कोड वन टू थ्री टू सेवन नाइन जीरो टू देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स बी ए प्रोग्राम पोलिटिकल साइंस डी एस सी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई है बाई चांस ये बी ऑनर्स पोलिटिकल साइंस डी एस सी का पेपर है डियर स्टूडेंट्स दैन नेक्स्ट है टाइटल टाइटल ऑफ द पेपर ह्यूमन राइट्स इन अ कंपेरेटिव परस्पेक्टिव देन नेक्स्ट है सेमिस्टर या फिर एनुअल तो देखिए फिफ्थ सेमिस्टर का आपका ये क्वेश्चन पेपर है ठीक है स्टूडेंट्स ये सभी चीज़ें जो हैं ये आपके क्वेश्चन पेपर के टॉप पर आपको देखने को मिली देन स्टूडेंट्स अगर हम टाइमिंग की बात करें तो टोटल थ्री आवर्स आपको दिए गए क्वेश्चन पेपर की आंसर राइटिंग के लिए प्लस एडिशनल वन आवर आपको दिया गया क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग के लिए आंसर सीट्स को अपलोड करने के लिए सो so, इस प्रकार आपके पास टोटल फोर आवर्स हैं इस इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के देन स्टूडेंट्स अगर हम ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो सेवेंटी फाइव मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नोट जो है वो मैंशन है आंसर्स में बी रिटर्न either in इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए अटैम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहे हैं वो सिक्स रहे हैं जिनमें से आपको एनी एनी फोर क्वेश्चन जो हैं वो अटैप्ट करने थे ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स सभी क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड किए गए हैं सो डी स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं डिफाइन ह्यूमन राइट्स क्रिटिकली एनालाइज थ्री जनरेशन्स ऑफ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार को परिभाषित कीजिए मानवाधिकारों की तीनों पीढ़ियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए सो so डियर स्टूडेंट्स इसमें बेसिकली पूछा गया है कि आप ह्यूमन राइट्स से क्या समझते हैं साथ ही आपको इसमें क्रिटिकली डिस्क्राइब करनी है क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए थ्री जनरेशंस को आपको डिफाइन करना था सो डियर स्टूडेंट्स ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन में बताया था कि डिफाइन ह्यूमन राइट्स एंड एक सेपरेट क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको डिस्कस करनी है थ्री जनरेशन्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सो देखिए उन दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया कि डिफाइन ह्यूमन राइट्स क्रिटिकली एनालाइज थ्री जनरेशन्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सो माय डियर स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक आंसर के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करने होते हैं फर्स्ट है इंट्रोडक्शन पॉइंट जिसमें आप इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखते बताते ह्यूमन राइट्स के थोड़ा बैकग्राउंड को उसके अंदर डिस्कस करते ठीक है कैसे उसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ है थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्ट डिपार्ट में ये सभी चीज़ें डिस्कस करते देन स्टूडेंट्स आप डिस्कस करते अंडरस्टैंड ह्यूमन राइट्स जिसमें आप बताते कि क्या बेसिक डेफिनेशनस हैं ह्यूमन राइट्स की क्या उसका नेचर है ठीक है ये आप इसके अंदर डिस्कस करते कि ह्यूमन राइट्स का क्या नेचर है क्या उसका मीनिंग है क्या उसकी स्पेसिफिक एंड वेरियस डेफिनेशंस हैं देन स्टूडेंट्स आप डिस्कस करते थ्री बेसिक जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसमें फर्स्ट जनरेशन है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देन सेकेंड जनरेशन है सोशो इकोनॉमिक राइट्स एंड थर्ड एंड लास्ट जनरेशन है कल्चरल एंड एनवामेंटल राइट्स देन एट लास्ट आप कंक्लूजन के साथ ओवरऑल इस क्वेश्चन को एंड कर सकते थे ठीक है स्टूडेंट्स आई होप आपने इसी प्रकार इसका आंसर जो है वो लिखा होगा देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस ह्यूमन राइट्स विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Compare it विद द बिल ऑफ राइट्स एंड श्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ साउथ अफ्रीका भारतीय संविधान के संदर्भ में मानव अधिकार की विवेचना कीजिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान में उदृत अधिकारों के घोषणा पात्रा से इसकी तुलना कीजिए डियर स्टूडेंट्स मैंने ये भी क्वेश्चन आपको फोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो सीरीज के अंदर जो सेकंड वीडियो अपलोड करी है ह्यूमन राइट्स इन अ कम्पेरिटिव पर्सपेक्टिव पर उसमें मैंने इस क्वेश्चन को ब्रीफली आपके साथ डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट्स जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको बेसिकली डिस्कस करना है एक्सप्लेन करना है ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को इन द रेफरेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में आपको ह्यूमन राइट्स को यहाँ पर डिस्कस करना है देन आपको कंपेयर करना है ह्यूमन राइट्स के कन्सेप्ट को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंशेंट है उसको साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल ऑफ राइट्स है दैट इज सेकेंड पार्ट जो है वो आपको डिस्कस करना है सो माय डियर स्टूडेंट्स आप इसके अंदर भी इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करते सबसे पहले आप डिस्कस करते ह्यूमन राइट्स के कन्सेप्ट को विद इन रेफरेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन आप कंपेयर करते बिल ऑफ राइट्स के साथ ठीक है स्टूडेंट्स देन आप क्रिटिकली एनालाइज करते हुए कंक्लूजन के साथ आप इस क्वेश्चन की एंडिंग कर सकते थे देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इज सेंसरशिप नेसेसरी इविल डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना क्या सेंसरशिप एक आवश्यक बुराई है भारत और चीन के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए देखिए स्टूडेंट्स एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको साथ आपके साथ डिस्कस किया फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो के अंदर सेम क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इज सेंसरशिप आर नेसेसरी इविल ये टर्म जो है ये आपको एक्सप्लेन करनी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना जहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि सेंसरशिप होती क्या है क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है क्या इसका एम है क्या इसका पर्पस है देन स्टूडेंट्स आप बॉडी एंड स्ट्रक्चर पार्ट में बताते कि इंडिया के अंदर सेंसरशिप किस प्र किस प्रकार है ठीक है किस प्रकार के जो सेंसरशिप है वो लगाई गई है पास्ट ईयर्स में साथ ही स्टूडेंट्स आप डिस्कस करते इसके साथ जो चाइना में सेंसरशिप का कंसेप्ट है जो कॉन्टेक्स्ट है आप उसको डिस्कस करते देन कंक्लूजन के साथ आप इसकी आंसर आप इसके आंसर को ख़त्म कर सकते थे देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर हाउ वार ऑन टेरर इम्पैक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया एंड यू एस ए डिस्कस देखिए स्टूडेंट्स आतंकवाद के विरुद्ध किस प्रकार भारत और अमेरिका के अल्पसंख्यक के, के मानवाधिकारों को प्रभावित करता है विवेचना कीजिए यह भी अलग लैंग्वेज के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन लेकिन मैंने इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें आपको बताना है कि टेररिज्म के जैसे चैलेंज से ठीक है वो ह्यूमन राइट्स के आगे जो टेररिज्म का एक चैलेंज है ठीक है उससे किस प्रकार

इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स आपको जेंडर वेस्ड वायलेंस को डिस्कस करना था बताना था कि जेंडर वेस्ट वायलेंस होता क्या है क्या उसके मायने हैं क्या उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको उसका मतलब बताना था साथ ही डी स्टूडेंट्स आपको आपको किसी भी एक साउथ एशिया कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया इंडिया हो गया अफगानिस्तान हो गया किसी भी साउथ साउथ एशिया कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में आपको जो ये इश्यू है जेंडर बेस्ड वायलेंस ये आपको डिस्कस करना था देन नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स एनालाइज द लैंड राइट्स ऑफ द अब ऑरिजिनल्स इन ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया में जो अब ऑरिजिनल्स हैं उनके उनके जो लैंड राइट्स हैं वो आपको इसके अंदर क्रिटिकली एनालाइज करते हुए डिस्कस करने थे ऑस्ट्रेलिया में आदिवासियों के भूमि अधिकारों का विश्लेषण कीजिए सो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं आज के ओ बी ई क्वेश्चन पेपर टू के ट्वेंटी वन में डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन राइट्स इन अ कंपेरेटिव परस्पेक्टिव एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वर्ल्ड के लिए डियर स्टूडेंट्स आई होप आपने सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अच्छे प्रकार से समझा होगा जाना होगा कि क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स किस प्रकार को कम्पेयर करा जाता है बिल ऑफ़ राइट्स के साथ एंड सो ऑन क्या होती है यूनिवर्सल डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है थ्री जनरेशन ऑफ़ राइट्स एंड सो ऑन सो डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका ह्यूमन राइट्स इन कंपैरेटिव परसपेक्टिव का आज का ओबी क्वेश्चन पेपर कैसा रहा सो माई डियर स्टूडेंट्स आइए अब डिस्कस करते हैं टूडेज ओ बी ई क्वेश्चन पेपर ऑन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू प्रिंटेड पेजेस दैन नेक्स्ट है योर रोल नंबर दैन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर दैन नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिक पेपर कोड वन टू थ्री टू सेवन नाइन जीरो थ्री दैन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स बी एनर्स पॉलिटिकल साइंस दैन नेक्स्ट है टाइटल एंड नेम ऑफ द पेपर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्परे इंडिया डियर स्टूडेंट्स अगर हम सेमिस्टर एंड एनुअल की बात करें तो ये फिफ्थ सेमिस्टर का डी एस सी पेपर डी एस सी का पेपर है अगर स्टूडेंट्स हम टाइमिंग की बात करें ह्यूमन राइट्स इन अ कम्पेटिव परस्पेक्टिव की तरह ही आपको दिए गए थ्री आवर्स प्लस वन एडिशनल आवर तो इस प्रकार आपको चार घंटे मिले इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए तीन घंटे आपको आंसर राइटिंग के लिए प्लस वन आवर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग के लिए आंसर शीट्स को अपलोडिंग के लिए देन स्टूडेंट्स अगर हम मैक्मम मार्क्स की अगर हम बात करें तो सेवेंटी फाइव मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है डियर स्टूडेंट्स इस यहाँ पर भी नॉट जो है वो मेंशन है कि आंसर में बी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फोलोड थ्रू आउट देपर इस प्रश्न पत्र का उत्तर आप अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए अटैम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो सिक्स रहे जिनमें से अटैम्प्ट आपको एनी फोर क्वेश्चन करने थे डियर स्टूडेंट्स ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड हैं किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए सभी प्रश्नों के अंक जो है वो समान हैं सो डियर स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्रिटिकली एग्जामिन द इवॉल्विंग रोल ऑफ स्टेट एंड प्लानिंग इन इंडिया भारत में राज्य और योजना की उभरती भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए डियर स्टूडेंट्स आपको बेसिकली इसके अंदर डिस्कस करना था कि किस प्रकार स्टेट जो है वो इवॉल्व हुआ है उसके क्या प्लानिंग कमीशंस रहे हैं ठीक है ये आपको इसके अंदर बेसिकली डिस्कस करना था आपको डिस्कस करना था फाइव ईयर प्लान्स को एंड सो ऑन डियर स्टूडेंट्स आप इसमें भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ स्टार्टिंग करते देन आप बताते हैं कि क्या इवॉल्विंग रोल रहा है स्टेट का ठीक है एंड प्लानिंग का भारत के अंदर सो डियर स्टूडेंट्स आप इसका आंसर जो है इस प्रकार लिख सकते थे डियर स्टूडेंट्स देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू evaluate द इमरजेंस एंड role रोल ऑफ द न्यू मिडल क्लास आफ्टर लिबरलाइजेशन इन इंडिया उदारीकरण के उपरांत भारत में नवीन मध्यम वर्ग के उद्भव और भूमिका का मूल्यांकन कीजिए इसमें आपको इवेल्युएट करना है द इमरजेंस एंड द रोल ऑफ न्यू मिडल क्लास जो न्यू मिडल क्लास जो है जो उभर कर आई है जो इमर्ज हुई है उसका क्या रोल रहा है आफ्टर लिबरलाइजेशन इन इंडिया इंडिया में उदारीकरण के बाद क्या रोल रहा है ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना था देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड द द प्रोसेस ऑफ ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज इंटेंसिफाइड लेबर इन इंडिया क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट एग्जामिन देखिए स्टूडेंट्स ये आपका पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर दिसंबर टू के ट्वेंटी के अंदर से पूछा गया है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने श्रम के अनौपचारिकरण को तीव्र किया है परीक्षण कीजिए डियर स्टूडेंट्स इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार ग्लोबलाइजेशन ने इंटेंसिफाइड करा है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर इन इंडिया को ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना था द द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वेरियस एस्पेक्ट एंड स्टेजेस ऑफ दलित मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया समकालीन भारत में दलित आंदोलनों के विभिन्न पहलुओं और चरणों का मूल्यांकन कीजिए स्टूडेंट्स आपको इसके अंदर क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको इसके अंदर डिस्कस करना था जो डिफरेंट पहलू रहे हैं डिफरेंट चरण रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस रही हैं डिफरेंट फेजेस रहे हैं दलित मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना था आपको हाईलाइटिंग वर्ड जो है दलित मूवमेंट ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना था जिसकी डिफरेंट स्टेजेस रही हैं डिफरेंट एस्पेक्ट रहे हैं ये आपको इसके अंदर क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इसका आंसर जो है वो लिखना था डेन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर हरित क्रांति की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए तथा सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको बेसिकली डिस्कस करना है जो मेन फीचर्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के एंड किस प्रकार इम्पैक्ट हुआ है उसका सोशल स्ट्रक्चर पर ये आपको इसके अंदर डिस्कस करना था टू क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपसे पूछा गया है सबसे पहले आपको बताना है कि ग्रीन रेवल्यूशन होता क्या है क्या उसके मेन फीचर्स रहे हैं किस प्रकार उसने इम्पैक्ट करा है सोशल स्ट्रक्चर को एंड कंक्लूजन के साथ आप इसका एंड कर सकते थे द नेक्स्ट है फाइनल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट एंड एस सी ऑन सिविल राइट मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया समकालीन भारत में नागरिक अधिकार आंदोलनों पर एक लेख लिखिए आपको एक बड़ा एस लिखना है इसके अंदर ऑन सिविल राइट्स मूवमेंट जो सिविल राइट मूवमेंट्स हुए हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया में वो आपको इसके अंदर ऐसे टाइप में लिखने थे सो so, ये क्वेश्चन पेपर रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का जिसमें काफ़ी स्टेट फोर्डवर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं आई होप आपका इस, इस आई होप आपका डी का जो पेपर है वो अच्छा गया होगा अगर आपका ये सब्जेक्ट था तो आप प्लीज़ यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड करें कि आपका पेपर कैसा गया ठीक है आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें एंड सो ऑन सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग वेरी वेल सो डियर स्टूडेंट्स इफ़ यू इन्जॉयड द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन नाउ डिगर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेलकन को प्रेस करते हुए जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें आपसे किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन किसी भी प्रकार का कंटेंट किसी भी प्रकार की वीडियो मिस ना हो सो डिगर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे होम स्टे इन डोरस एंड गुड विशेज़ फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन